वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों आज जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जया बच्चन जी के बारे में, जया भादुरी जी के बारे में, जो एक अभिनेत्री ही नहीं सफल राजनीतिज्ञ भी हैं और एक बहुत ही सक्सेस पत्नी और सक्सेस माँ भी हैं। तो दोस्तों इनकी जो पर्सनल लाइफ है, इनका फिल्मी करियर ग्राफ कैसा रहा, इन सब के बारे में कुछ सुनी और अनसुनी कहानी आज जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इनकी जो पर्सनल लाइफ है, तो इनका वास्तविक नाम जया भादुरी और इनकी जो बालों का रंग है वो काला है, आँखों का रंग काला है। इनकी जो जन्मतिथि है वो 9 अप्रैल 1948 को हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में। इनकी जो शिक्षा हुई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल भोपाल, और जो आगे की पढ़ाई इन्होंने किया वो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से किया, और अभिनय में इन्होंने डिप्लोमा लिया था। इनकी पहली डेब्यू आई थी गुड्डी 1971 में। इनके पिता का नाम तरुण कुमार भादुरी, जो कि लेखक, मंच कलाकार और पत्रकार थे। इनकी माता का नाम इंदिरा भादुरी था। दोस्तों ये मुंबई में रहती हैं। इनका जो अपना बंगला है उनका नाम है जलसा, और इनकी शौक और अभिरुचि है खाना बनाना। दोस्तों इनके बहुत सारे वाद और विवाद रहे तो उन सब से ये बाहर आ गईं। तो दोस्तों इनके पसंदीदा अभिनेता रहे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। पसंदीदा अभिनेत्री हैं इनकी नरगिस, और पसंदीदा फिल्म है इनकी जंजीर। पसंदीदा कलर इनका नीला और सफ़ेद। पसंदीदा स्थान इनका लंदन और स्विट्जरलैंड। दोस्तों ये विवाहित हैं, इनके पति हैं अमिताभ बच्चन जो कि सुपरस्टार हैं, और इनका 2 बच्चा है, अभिषेक बच्चन बेटा और बेटी श्वेता बच्चन नंदा। दोस्तों ये सांसद के रूप में भी हैं, काम कर रहे हैं, और ये मुंबई में रहती हैं। तो दोस्तों इनके जो बारे में अगर हम जाने तो जया बच्चन को पद्मश्री भारत के 4th उच्चतम नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिल्म जगत में जया बच्चन ही एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें FTII पुणे से स्वर्ण पदक मिला है। शाहरुख खान ने ऐश और सलमान के संबंध पर एक टिप्पणी की थी जिसमें जया बच्चन को बहुत बुरा लगा, उन्होंने खुलेआम शाहरुख को थप्पड़ मारा था। जया बच्चन ने एक इंटरव्यू के दौरान स्वीकार किया कि बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा और अपने पति अमिताभ के साथ प्रेम संबंधों को पहले से ही वो जानती थीं। सांसद में निर्भया के बलात्कार मामले पर भी उन्होंने अपनी भाषण दी और उनकी आंखें नम हो गई। दोस्तों वो हैंडबैग ले जाने से नफरत करती हैं, इसलिए उनके सभी कपड़ों में 2 जेब होते हैं, जैसे कि चाबियाँ और बाकी सामान वो रखती हैं। दोस्तों वो एक सफल अभिनेत्री हैं और उनकी जो लाइफ है बहुत ही लग्जरियस लाइफ है और बहुत ही अच्छी लाइफ है। दोस्तों उनकी जो बहू हैं वो हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी एक पोती है आराध्या बच्चन जिन्हें वो बहुत प्यार करती हैं, और जो अपनी ही अपने आप को दादी की जैसी समझती हैं। तो दोस्तों जया बच्चन एक बहुत ही परिचित नाम है, बहुत ही अच्छा और उनका लेविस लाइफ रहा है। उनके पति जो हैं वो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हैं। तो दोस्तों जया बच्चन हिंदी फिल्म सिनेमा की दमदार अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं। अपने समय में जया बच्चन ने अपनी एक्टिंग के दम पर पूरे भारत में एक सम्मानीय स्थान बनाया था। जया के अभिनय के करियर की मिसाल दी जाती थी। जया बच्चन ने 90 के जमाने में बहुत सी फिल्मों में अनेक रोल किए और इन फिल्मों के कई पुरस्कारों पर भी उनको मिला। जया जी के अभिनय का स्तर इनकी उपलब्धियाँ देख कर लगाया जा सकता है। इन्होंने 9 राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला है। अभिनय के अलावा जया ने पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बनाई है और वहाँ भी इन्होंने अच्छा काम किया है। और इनका जन्म जो हुआ है दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में, और ये समाजवादी पार्टी की नेता हैं। दोस्तों इनके पिता का नाम
तरुण कुमार भादुरी, जैसा कि मैंने बताया था, इनकी एक बहन है रीता वर्मा, इनकी बहू का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन है। जया बच्चन जैसी महान अभिनेत्री ने 9 अप्रैल 1948 में जन्म लिया। जया बच्चन के बचपन में इन्हें जया भादुरी नाम दिया गया था, जो कि विवाह के बाद जया बच्चन हो गया था। जया जी का जन्म जबलपुर में हुआ था, जो कि पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड वेरर राज्य में आता है। भारत की आज़ादी के बाद सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरर को मध्य प्रदेश नाम दिया गया। जया बच्चन की स्कूलिंग भोपाल से हुई थी। पहले से जया बच्चन के अंदर लोगों को मैनेज करने का जो हुनर था वो था। इस हुनर को देखते हुए ही उन्होंने अपने स्कूल की हेड गर्ल भी रह चुकी थी। स्कूल की शिक्षा पूरी करते समय ही जया बच्चन को अभिनय करने की प्रतिभा का अंदाज़ा मिल गया था। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए फिल्म एंड टेलीविज़न ऑफ इंडिया नामक कॉलेज पुणे में जाना उचित समझा। इतना ही नहीं, इस कॉलेज में एक्टिंग संबंधी कोर्स करके इन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा को सुधारा। इसके अलावा पढ़ाई के दौरान जया जी को बेस्ट इंडिया एनसीसी कैडेट पुरस्कार भी मिला था, जो कि 1966 में गणतंत्र दिवस के समारोह में दिया गया था। जया बच्चन एक बंगाली हिंदू परिवार से संबंध रखती थी। इनके परिवार में माँ बाप के साथ साथ एक बहन भी थी, जिनका नाम रीता वर्मा है, जो कि जया बच्चन की इकलौती बहन है। जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुरी लेखक होने के साथ साथ पत्रकार और मंच कलाकार भी थे। जया बच्चन की माता इंदिरा भादुरी वो एक कुशल गृहिणी थी। 3 जून 1973 को इन्होंने भारत के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन से शादी की थी। इस जोड़े को 2 बच्चे हुए, श्वेता बच्चन नंदा और अभिषेक बच्चन। जया के बेटे अभिषेक बच्चन भी एक बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले कलाकार हैं। जया और अमिताभ की लड़की श्वेता ने दिल्ली में कपूर परिवार के एक व्यापारी निखिल नंदा से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप श्वेता एवं निखिल को 2 संतानें हुई। इन दोनों बच्चों के नाम नव्या नवेली एवं अगस्त्य नंदा हैं। वहीं जया बच्चन के लड़के अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन से शादी की और विवाह के कुछ समय बाद अभिषेक एवं ऐश्वर्या के घर आराध्या का जन्म हुआ। दोस्तों, जया बच्चन ने बहुत सारी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया। जया बच्चन को पहली बार एक्टिंग के लिए फिल्म महानगर का ऑफर मिला था। इस बंगाली को सत्यजीत रे के निर्देशन में बनाया गया था। महानगर फिल्म के निर्माण के दौरान जया मात्र 15 साल की एक छोटी बच्ची की तरह थी। सन 1973 में इस फिल्म में जया सहायक अभिनेत्री के रूप में नजर आईं एवं इनके साथ अनिल चैटर्जी और माधवी मुखर्जी ने भी महानगर फिल्म में अभिनय किया था। इसके साथ साथ इन्होंने सुमन, दूसरी बंगाली कॉमेडी धनी में शामिल थी। इतने एक्सपीरियंस से प्रेरित होने के बाद इन्होंने फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे में अभिनय भी सीखा था। जया ने 1971 में पहली हिंदी फिल्म गुड्डी ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित गुलजार द्वारा लिखी गई इस जया बच्चन ने इसमें एक्टिंग की थी। इसमें धर्मेंद्र और असरानी भी शामिल थे। दोस्तों, संजय दत्त सन 1971 में उनकी फिल्म उपहार आई, जो ताराचंद के राशि प्रोडक्शंस के द्वारा बनाई गई थी। जया के अलावा इस फिल्म में स्वरूप दत्त और कामिनी कौशल ने भी एक्टिंग किया था। तो इस तरह दोस्तों, उनकी बहुत सारी फिल्में हिट हुई, सुपर हिट हुई। जया बच्चन द्वारा काफ़ी साल अभिनय के क्षेत्र में बिताने के बाद इनको राजनीति में भी शामिल होते हुए देखा गया। इन्होंने लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का विचार बनाया। पहली बार चुनाव में ही जया ने भारी मतों से जीत हासिल की। 2004 में समाजवादी पार्टी को राज्यसभा रिप्रेजेंट करने का कारोबार सौंपा गया। सन 2004 से लेकर 2006 तक जया बच्चन ने काफ़ी अच्छा कार्य किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी द्वारा जून 2006 में दूसरी बार जुलाई 2010 तक के राज्यसभा में इनको भेजा गया। जया बच्चन के कुछ वाद विवाद भी आए थे, जिनसे वो बाहर आ गई। दोस्तों, अगर इनके पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो 1972 में उपहार फिल्म के लिए जया बच्चन को फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिला था, जो कि इनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड था। इसके बाद 1994 में फिल्म अभिमान, सन 1995 में कोरा कागज और फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए जया बच्चन को पुरस्कृत
किया गया था। 1980 में नौकर फिल्म में जया बच्चन की एक्टिंग को फिल्म फेयर ने फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। 1992 में भारत सरकार का भारत का चौथा उच्चतम नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा मुकाम बनाया हो। फिल्म फिजा के लिए इनको सन 2001 में, कभी खुशी कभी गम के लिए 2002 में और 2004 में कल हो न हो मूवी में शानदार अभिनय के लिए जया को फिल्म फेयर द्वारा बेस्ट सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों इनके बाद 2017 में जया को सर्वश्रेष्ठ सांसदीय पुरस्कार भी हासिल हुआ और सन 2012 में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको बहुत सी संस्थाओं एवं अवार्ड समारोहों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला, जैसे सन 2004 में सेंसोई पुरस्कारों में, सन 2010 में लंदन में टोंगेस ऑन फायर फिल्म फेस्टिवल में भी इनको अच्छे खासे अवार्ड मिले हैं। तो इस तरह से दोस्तों इनकी जो अच्छी और लग्जीरियस और हैप्पी लाइफ है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। भगवान इनको स्वस्थ रखे और बहुत ही खुशियां मिली हैं इनको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सक्सेस हैं, अपनी फिल्मी लाइफ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में, और अब ये दादी बन चुकी हैं आराध्या बच्चन की। तो भगवान इनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ रखें। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो वीडियो मैंने शेयर किया आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।